हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम फिर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट 21st से लेकर 31st जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम टोटल 1 से लेकर 20 जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है अपनी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में तो प्लीज़ करंट अफेयर्स पर काफ़ी ध्यान दीजिए। जो भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे SSC, बैंक, इन सब एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स ज़रूर करके जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री PDF जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप उससे पहले रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है इसमें यूज़फुल कंटेंट है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट 21st से लेकर 31st जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। देखिए पहला करंट अफेयर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चांसलर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है न्यू वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। PU के न्यू वाइस चांसलर जो हैं वो बने हैं राजकुमार, आपको उनका नाम याद रखना है। राजकुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन टूल ट्रेडविल टू हेल्प पीपल डील विद मेंटल हेल्थ इशू। देखिए कौन सा IIT इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक ऑनलाइन टूल, ऑनलाइन वेबसाइट जो है बनाई है जिसका नाम है ट्रेडविल, ताकि जो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ इशूज से डील कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो ये जो IIT इंस्टीट्यूट है ये है IIT कानपुर। ये जो इनकी वेबसाइट है इसका नाम है ट्रेडविल, जो कि जो इशूज़ हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनसे डील करते हैं, उनके सिम्टम्स जो हैं उस वेबसाइट पर आपको बताए जाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है इसका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसका नाम है ट्रेडविल, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं हु बैग्ड सिल्वर एट द 2018, आपको ये कार्ड देना है, हु बैग्ड सिल्वर एट द 2018 जूनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन न्यू दिल्ली। देखिए न्यू दिल्ली में जो है एक जूनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई 2018 की, इसमें जो खिताब जीता है वो है मानसी अहलावत, आपको उनका नाम याद रखना है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, मानसी अहलावत को मिला है 2018 का जूनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप का खिताब जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स टू सेव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने कई प्लान्स जो हैं उनको अनाउंस किया है ताकि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, सेव किया जा सके। तो ये कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट में हम आते हैं, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। तो 2020 में जो पैरालंपिक गेम्स होंगे ये कहाँ होंगे, टोक्यो में। ये हमने जो वेन्यू वाली वीडियो है उसमें कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट वेन्यू है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो देखिए 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स होंगे उसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है सुमेटी, आपको उसका नाम याद रखना है, एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट गवर्न्ड स्टेट एज पर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स फॉर 2018। तो कौन सा स्टेट है जिसने ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप किया है, और ये जो लिस्ट है उसका नाम है बेस्ट गवर्न्ड स्टेट। तो ये जो स्टेट है केरला, देखिए केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और अब इसने जो है टॉप किया है बेस्ट गवर्न्ड स्टेट की लिस्ट में जो कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के द्वारा निकाली गई है। नबार्ड हैज़ लॉन्च द साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एट। तो देखिए नबार्ड क्या है, नबार्ड जो है इन्होंने एक लॉन्च किया है साउथ ईस्ट एशिया का जो पहला सेंटर है क्लाइमेट चेंज का। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो आपको याद रखना है लखनऊ में जो है नबार्ड ने लॉन्च किया है साउथ ईस्ट एशिया का पहला CCC क्या है, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2017 ऑल इंडिया फुटबॉलर फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी। देखिए मेन कैटेगरी में किसको 2017 का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है मेन कैटेगरी में। तो देखिए इनका नाम है सुनील छेत्री, आपको नाम याद रखना है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, सुनील छेत्री हैज़ बीन नेम्ड एज अ 2017 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेन्स कैटेगरी। नेक्स्ट में हम आते हैं,
हु हैज़ बीन क्राउंड द मिस एशिया डेफ 2018। तो मिस एशिया डेफ, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मिस एशिया डेफ 2018 का जो खिताब मिला है वो मिला है देशना जैन को। आपको नाम याद रखना है, देशना जैन। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कमिटी ऑन बॉर्डर हार्ट्स वॉज हेल्ड इन। तो देखिए, ये जो बॉर्डर हार्ट्स पे जो पहली जो मीटिंग हुई इंडिया बांग्लादेश की जॉइंट कमेटी की मीटिंग, ये हुई अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई। तो आपको याद रखना है, अगरतला में हुई इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कमेटी की मीटिंग ऑन बॉर्डर हार्ट्स पे। Which state government has released its first ever tribal atlas to highlight the tribal demography of the state? तो कौन सी state government है जिन्होंने अपनी पहली tribal atlas को जो है जो release किया है, ताकि जो tribal demography है state की उसको जो है highlight कर सके। तो काफ़ी अच्छा initiative है उड़ीसा government का, जिन्होंने जो है tribal atlas को, जो कि पहली tribal atlas है, इसको release किया है, ताकि जो tribal की demography है, ट्राइबल जो एरियाज हैं, उसको जो है डिस्क्राइब किया जाए, हाईलाइट किया जाए। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ई प्रगति कोर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू सिटीजन। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है ई प्रगति कोर को, ये एक इनिशिएटिव है ताकि जो सर्विसेज, ताकि जो सिटीजन्स है उनको एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने ई प्रगति कोर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइड टू सेट अप अ सेपरेट डायरेक्टोरेट फॉर द दिव्यांग्स। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक सेपरेट डायरेक्टोरेट जो है दिव्यांग के लिए सेटअप किया है? तो ये है असम की गवर्नमेंट, यहाँ पर एक सेपरेट डायरेक्टोरेट जो है दिव्यांग्स के लिए सेटअप किया जाएगा। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेस्ट मेल एथलीट इन द 15th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018। तो 2018 की जो 15th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें बेस्ट मेल एथलीट का खिताब मिला धनवीर सिंह को। नेक्स्ट हम आते हैं, द 19th कारगिल विजय दिवस 2018 हैज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। देखिए, कारगिल विजय दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 26 को। इस दिन जो है इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में जो है इंडिया को विक्ट्री मिली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और साथ में यहाँ पर एक ऑपरेशन विजय आपको याद रखना है, ऑपरेशन विजय आपको याद रखना है, जो कि इस वॉर का नाम था। तो इसको हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस, और ये हर साल हम मनाते हैं जुलाई 26 को। Who has won the 2018 Formula One German Grand Prix Tournament? तो 2018 का जो Formula One German Grand Prix Tournament का खिताब जीता Lewis Hamilton ने। आपको नाम याद रखना है इनका, Lewis Hamilton। Next पे हम आते हैं, Which city to host the third edition of Kabira Festival 2018? तो देखिए, जो Kabira Festival है, आपको इनका नाम याद होगा, कबीर, जो कि एक बहुत legendary musician रहे हैं, उनके नाम पे ये फेस्टिवल है, कबीर फेस्टिवल, जो कि हर साल जो है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये थर्ड एडिशन है, अब तक का तीसरी बार हो रहा है ये फेस्टिवल। तो जो सिटी है, ये है वाराणसी। तो वाराणसी यूपी में ये फेस्टिवल होगा, जिसमें कई सारे म्यूजिशियंस, कई सारे पोइट्री राइटर्स, ये सब जो हैं वहाँ पर आएंगे, डिस्कशन होगा वहाँ पर, काफ़ी अच्छा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये जो थर्ड एडिशन होगा कबीर फेस्टिवल का, ये होगा वाराणसी में। The National Traders Conclave 2018 has been organized in which city? तो जो देखिए, National Traders Conclave 2018 जो है ये organize किया गया है इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना है कहाँ होगा ये National Traders Conclave 2018, ये होगा न्यू दिल्ली में। India's first state run all women hotel hostess will come up in which city? Which state? तो देखिए, कौन से state में इंडिया का पहला ऑल वुमेन रन होटल जो है, जिसमें सारी जो है वुमेन स्टाफ होंगी, ये आएगा केरला में। तो ये पहला पब्लिक सेक्टर होटल है जो कि पूरी तरीके से रन किया जाएगा वुमेन के द्वारा। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होटल है, तो आपको याद रखना है ये सेटअप होगा केरला में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ प्लांटेशन ड्राइव ग्रीन महानदी मिशन? तो आप इसके नाम से याद कर सकते हैं, महानदी रिवर कहाँ है? महानदी रिवर है उड़ीसा में। आपको याद रखना है, उड़ीसा की मेन रिवर है महानदी रिवर। तो ये जो ग्रीन महानदी मिशन है, ये लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ये एक प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ पर महानदी रिवर के अक्रॉस जो है ट्रीज प्लांट जो है उनको प्लांट किया जाएगा, ताकि जो है काफ़ी ग्रीनरी हो। तो ये जो ग्रीन महानदी मिशन है, ये होगा, ये जो है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम आते हैं, विच सिटी इज होस्टिंग द 18th
यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2018। तो 2018 का जो 18वां यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है वो होगा कोलकाता में। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी, यहाँ पर होगा 2018 का यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 10th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट 2018? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 10वां एडिशन हुआ ब्रिक्स समिट 2018 का, ये हुआ साउथ अफ्रीका में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रिक्स में कितने नेशन हैं? ब्रिक्स में है 5 नेशन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका में हुआ 2018 का 10th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए। हु वॉन द 2018 रमन मगसेसे अवार्ड? तो देखिए 2018 का जो रमन मगसेसे अवार्ड है, ये एक श्योर श्योर क्वेश्चन होता है एसएससी एग्जाम में, जो हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो 2018 का जो रमन मगसेसे अवार्ड मिला, वो मिला भारत वतवानी और सोनम वंगचुक को। आपको उनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिया जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, या फिर बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, भरत वतवानी एंड सोनम वंगचुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु ऑथर्ड द बुक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड? तो देखिए ये जो बुक है, ये एक हिस्टोरियन ने लिखी है, एक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। तो इसमें 1914 से लेकर 1948 तक की पूरी हिस्ट्री है, कैसे जो गांधी जी हैं वो इंडिया में आए, उनका जो साउथ अफ्रीका से जब वो आए थे उस टाइम से लेकर जो इंडिया की इंडिपेंडेंस का टाइम है, पूरा वो कवर करके जब तक गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ तब तक की पूरी हिस्ट्री इस बुक में मेंशन्ड है। तो ये जो बुक है, इस बुक का नाम है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, और ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। आपको ये बुक का नाम याद रखना है, रामचंद्र गुहा इसके ऑथर है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। द म्यूजियम फॉर ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो म्यूजियम है जो कि जिसमें हमारे सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जितने भी रहे हैं उनका जो म्यूजियम है वो कंस्ट्रक्ट होगा इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो आपको याद रखना है, ये एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें सभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो स्टैचूज हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये जो म्यूजियम बनेगा, ये बनेगा न्यू दिल्ली में। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि जुलाई 21 से लेकर जुलाई 31 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। हमें पूरी कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स के साथ आपको समझाएं, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है इस तरीके का आए तो आप उसमें मार्क्स ना गवाएं। ये हमारी तरफ से कोशिश थी आपके लिए, अब आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिले और आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारा फेसबुक पेज स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इज tutorialstudy@gmail.com, आप उसमें अपनी कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल इज स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, ये वीडियो इज फुल एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंकिंग एनटीपीसी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।